हेलो फ्रेंड्स, आपका आपकी यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर पत्रिकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उस समय ज़रूरत है कि हमारी जो अंदर की ताकत है, अंदर की ताकत से मतलब जो भी आपकी रोग से लड़ने की ताकत है, जिसे हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो आपको किसी भी तरह के कोई भी बैक्टीरिया वायरस से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तो भाई यहाँ सवाल ये उठता है कि कैसे हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करें, हम क्या करेंगे जिससे कि हमारा बॉडी स्ट्रांग बने अंदर से, जिससे कि बाहर की चीज़ें हमें इफ़ेक्ट ना कर पाएँ। दोस्तों, तो मैं आपसे हर वीडियो बताता हूँ कि आप प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपके बॉडी की RBCs, आपकी WBCs, आपकी बॉडी की सेल्स, आपकी जितनी बॉडी की ऑर्गन्स हैं और जितनी ग्लैंड्स हैं, सबको एक्टिव रखती है और आपके अंदर के बॉडी ऑर्गन्स मजबूत रहते हैं। तो ये तो बात है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या आपकी बॉडी कोई जो भी कोई गाड़ी भी होगी तो उसको फ्यूल देना ज़रूरी है। वैसे भी ही हमारी बॉडी को अगर आप चाहते हैं प्रॉपर वर्क करे तो आपको उसे प्रॉपर डाइट देना ज़रूरी है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो बॉडी की ज़रूरी हैं वो आपकी डाइट में आपको नहीं मिल पाती हैं, वो चीज़ें रह जाती हैं, तो उसके लिए उसकी हम पूर्ति कैसे करें। और वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने के लिए। एंटीबॉडी क्या है? जो कि आपके वायरस है, बैक्टीरिया, उसके खिलाफ जो लड़ने के लिए सेना तैयार होती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, वो आपके खाने से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके बॉडी में पूरी तरह से एंटीबॉडी नहीं बनेगी, जो आपको रोग की से लड़ने की ताकत नहीं दे पाएंगी। तो हम उसकी पूर्ति कैसे करें? आप कितने अभी कच्चा खाना खा रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती है, उसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के दो टाइप होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। तो न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा भाई जो हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर बिल्डअप के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, बॉडी की सेल्स की ग्रोथ के लिए, बॉडी के ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए, बॉडी की हाइट की ग्रोथ के लिए, बॉडी की बोन्स की ग्रोथ के लिए, हमारे अंदर के ऑर्गन्स के लिए, हमारे बॉडी के एंजाइम्स के लिए, बॉडी के हार्मोन्स के लिए, तो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी की हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर आप न्यूट्रिएंट लेना बिल्कुल बंद कर देते हो या खाने लेना बिल्कुल बंद कर देते हो तो आप इंसान की डेथ हो जाएगी। तो भाई डेथ हो जाएगी, सारी नहीं लेने थे। तो न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, ये आपकी बॉडी की हर चीज़ को मैनेज करते हैं, बॉडी ही बनाते हैं। तो न्यूट्रिएंट दोस्तों दो तरह के होते हैं। पहला है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा है दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो मीन्स होता है दोस्तों छोटा, न्यूट्रिएंट का मतलब मैंने आपको बताया, माइक्रो का मतलब छोटा, मतलब जो आपके बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है, बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है लेकिन बहुत जरूरी होते हैं, उन्हें बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, और न्यूट्रिएंट का मतलब आपको बताया हुआ है, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो आपके बॉडी को बहुत ही अधिक मात्रा में जरूरत होती है। क्या होता है कभी कभी कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है किसी चीज़ की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट। और जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में चाहिए, ज़रूरी भी, और उनकी मात्रा भी चाहिए, वो होती है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में दोस्तों आते हैं आपके आयरन, पोटेशियम, सल्फर, विटामिन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, बहुत सारे केमिकल्स एंड विटामिन, वो सारे दोस्तों आपके आएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में दोस्तों जो आते हैं वो है आपका प्रोटीन, जिससे पूरी बॉडी बनी हुई, सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, ये सारी चीज़ दोस्तों किसमें आ गए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट में। तो भाई प्रोटीन के लिए हम दालें खाते हैं, रोटी खाते हैं, और चने हो गए आपके, अंडा हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया, कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी, चावल, फैट के लिए जो आप ऑयल लेते हो वो है, और लिपिड भी जो ऑयल और जो ऑयल सब्सटेंस घी वगैरह लेते हो वो, उससे पूर्ति हो गई। अब बारी आती है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, उनकी पूर्ति कैसे, जिसके लिए आप क्या करोगे, फल लोगे, तरह तरह की, कई तरह की डाइट लोगे, तो भी उनकी क्या कमी रह जाती है। तो भाई और सबसे ज़रूरी ये होते हैं दोस्तों हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर के लिए,
मतलब कि आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए जरूरत सबसे ज़्यादा होती है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो हम उसकी पूर्ति करने के लिए खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए एक बहुत ही सस्ती मेडिसिन दोस्तों मार्केट में अवेलेबल, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये है। सिर्फ 30 रुपये की में आप 30 गोली, मतलब 1 रुपये वो एक गोली का चार्ज है, बहुत ही सस्ती है। आपको एक गोली रोज खानी है, किसी भी समय में खाना खा के आप एक गोली इसकी खा लीजिए, आपकी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सब की पूर्ति ये दवाई कर देगी बहुत सस्ते दाम में। तो जो दोस्त कोई भी इंसान, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, डेली लाइफ अपना नॉर्मल काम करता हो, हर किसी को इन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। ये मेडिसिन इतनी सस्ती है और ये मेडिसिन उस सारी कमियों को पूरी आप कर सकती है जो आपकी बॉडी को चाहिए दोस्तों। तो ये है आपकी वो मेडिसिन, इसमें इतनी सारी चीज़ें दोस्तों। चलो मैं आपको कुछ चीज़ों का नाम बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी 3, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B2, डी पैंथेनॉल, विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपके ब्लड के लिए, विटामिन सी स्कर्वी वगैरह रोग से बचाती है, फॉलिक एसिड आपके RBC काउंटिंग बढ़ाती है दोस्तों, और कैल्शियम आपकी हड्डियों को और आपकी बॉडी की मसल्स की मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है दोस्तों। कॉपर सल्फेट हो गया आपका, मैग्नी सल्फेट हो गया मोनोहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हो गया दोस्तों मोनोहाइड्रेट, और पोटेशियम आयोडाइड हो गया आयोडीन, जानते हैं आप लोग आपके हॉर्मोन्स को मैनेज करता है जो फैक्सिन को दोस्तों। तो इसके बाद है आपका लाइट मैग्नीशियम और एरिथ्रोसाइनिन इसमें दोस्तों, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है दोस्तों इसमें। एरिथ्रोसाइनिन का मतलब आप जो आपको दे रहे वो हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें मिली, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें भरे पड़े हैं दोस्तों। ये 30 रुपये की गोली है, इसको बोलते हैं बी का डेक्सामाइन, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स कैप्सूल्स, मल्टी विटामिन भी है मल्टी मिनरल्स भी, यानी कि सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भरे पड़े दोस्तों, जो आपकी रोग से लड़ने की ताकत आपकी बढ़ाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आगे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।